जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो होता है वो क्यों है जरूरत हमारे शरीर में, क्योंकि शरीर के अलग अलग जगहों पे बराबर मात्रा में जो चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, कोई मेटल हुआ, कोई अलग तरह के आयंस हुए, है ना, कोई सिग्नल हुआ, कोई हार्मोन हुआ, तो वो सारी चीजें सही जगह पे सभी जगह पे पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए सर्कुलेशन करना पड़ता है। तो उस ओपन सर्कुलेशन का मतलब बहुत साधारण है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, तो बहुत साधारण से एग्जांपल, जैसे कि एक फील्ड है ना, और ये फील्ड है, ये ऑर्गन्स है। मान लो तुम्हारा यहाँ पे लंग्स है, लंग्स है, यहाँ पे तुम्हारा स्टमक है ना, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ पे लीवर है ना। तो हो सकता है कि तुम इनको तुम्हें ब्लड पहुँचाना है, तो एक काम तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड वेसल्स लिए इनको हार्ट से कनेक्ट कर दो। हार्ट से कनेक्ट करके तुमने क्या किया, उसको डायरेक्ट ब्लड यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब धीरे 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 ये भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, तो लीवर तक पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे लंग्स तक पहुंचेगा, तो धीरे धीरे भरते भरते जाएगा, तो जाकर वो लीवर लंग सिस्टम तक पहुंचेगा। ये कंडीशन हो सकता था। तो इसमें आपने क्या किया, एक लार्ज वेसल से आपने क्या, इस लार्ज वेसल से क्या किया, हार्ट ने ब्लड पंप किया और आपने डायरेक्टली ओपन यहाँ पे छोड़ दिया, ओपन स्पेस में फेंक दिया, तो इसको ओपन सर्कुलेशन कहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्लड पंप बाय द हार्ट इन लार्ज वेसल्स, ओपन ओपन स्पेस इन द बॉडी। तो ऐसा कर दिया तो हो सकता है बहुत वेस्ट हो, बहुत ज्यादा एनर्जी लगे और बहुत ज्यादा समय लगे। तो ऐसा सर्कुलेशन हम लोग नहीं चाहते, तो इसलिए उससे ये सर्कुलेशन किसमें, छोटे ऑर्गेनिज्म में, जैसे इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में कैसे, ऑर्थ्रोपोडा, जैसे यहाँ पे मैंने कॉकरोच बना रखा है, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन में आप क्या करो, तो क्लोज सर्कुलेशन में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे क्या करो, सारे ऑर्गन्स तक ना आप क्या करो, इसको आप कैपिलरीज में बांट दो, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में बांट दो। एक चला गया लीवर के पास, है ना, यहाँ पे एक चला गया लंग्स के पास, है ना, फिर एक चला जाएगा स्टमक के पास। तो इस तरह से आपने क्या किया, पूरे ब्लड वेसल्स को ऐसे कर दिए, बांट दिए, ठीक है। अब ये मत पूछना कि घूम के फिर आगे कहाँ जाएगा, भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे आपने ब्लड वेसल्स को क्या किया, बांट दिया और हर ऑर्गन तक पहुंचा दिया। इससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगा, एनर्जी कम लगेगी और पैसे भी बचेंगे। पैसे मतलब एनर्जी बचेगी, एटीपी बचेगा और सबको बराबर मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, कम टाइम लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन। तो अगर आप पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पहुंचा रहे हो तो उसको क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसा किसमें मिलेगा, मैमल्स में, कॉर्डेट्स में आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। कॉर्डेट्स मतलब हम लोग हैं, मछली है ना, बंदर है, रेप्टाइल्स है, इन सबों में। तो होप सो कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन पे आते हैं। सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन पे आने से पहले टाइप्स ऑफ हार्ट, ये ह्यूमन में टाइप्स ऑफ हार्ट नहीं बताया मैंने, बस टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, बट हम लोग अलग अलग जीवों में पाया जाता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो A4 आर्टेरियम है यहाँ पे, V4 वेंट्रिकल है। तो ए से यहाँ पे दो चैम्बर्स है, आर्टेरियम और वेंट्रिकल, ये दो चैम्बर हर्ट कहलाएगा। इसके ऊपर भी एक छोटा सा चैम्बर तो नहीं कह सकते, एक वेसल्स का ही डायलेशन होता है यहाँ पे, जिसको वेनोसस कहते हैं, आर्टेरियोसस, इस पे वेनोसस होता है, वेनोसस और नीचे आर्टेरियोसस। तो वो चीज तो हमें पढ़नी नहीं है, बट मैंने बता दिया। तो यहाँ पे दो चैम्बर हार्ट में क्या है, दो चैम्बर आपको दिखेगा सीधा सीधा, आर्टेरियम और वेंट्रिकल। तो वेनोसस और आर्टेरियोसस के, ये आर्टेरियम के ऊपर और वेनस वेंट्रिकल के नीचे भी एक डायलेशन होगा ब्लड वेसल्स का, वही वो
भी मौजूद होते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट में, ठीक है, बट उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग दो चैम्बर हार्ट मतलब एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, ये ऐसा किस में देखते हैं, फिश में देखने को मिलेगा। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होगा। इसके अलावा इसमें भी थ्री चैम्बर हार्ट में भी सिंगल सर्कुलेशन ही होता है इसमें भी, और इसमें भी थ्री सिंगल सर्कुलेशन होगा। थ्री चैम्बर हार्ट में जो आर्ट्रियम था वो दो भागों में बट गया, लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या है, सेम होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है इसका, क्रोकोडाइल जिसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में ही क्या हो गए, रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, रेंगने वाले जीव्स, है ना, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग, इन दोनों में ही थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। सिंगल सर्कुलेशन क्यों, सिंगल सर्कुलेशन मतलब कि देखो एक एग्जांपल पे देते हैं, जैसे तुम अपने घर से निकले, है ना, घर से निकले दुकान गए, है ना, दुकान से तुमने क्या खरीदा, ऑक्सीजन खरीदा, फिर वापस घर में आ गए, है ना, ये हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन का मतलब सुन दो, कि तुम घर से निकले, ठीक है, घर से निकले, CO2 लिया, फिर उसको ले जाके तुमने क्या किया, CO2 लिया, फिर तुम यहाँ पे आए और यहाँ पे तुमने हार्ट में अभी छोड़ा नहीं, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, लंग्स तक गए, लंग्स तो तुमने CO2 दिया और CO लंग्स से क्या लिए, तुम O2 लेके, है ना। तो यहाँ पे हमें दो बार एक साइकिल हमारा कब कंप्लीट हो रहा है, जब हम लोग फाइनली लंग्स तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो दो बार हम लोग का सर्कुलेशन हो रहा है कंप्लीट, आया बस समझ। तो सर्कुलेशन मतलब कहाँ क्या होता है, कि एक पॉइंट से आप जब चले उसी पॉइंट पे आपका पहुंचे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आर्ट्रियम से निकले थे, आर्ट्रियम कह रहा हूँ सर, यहाँ पे हम लोग समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रियम से निकले, बड़ा बड़ा गप्पे लिखते हैं, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से, ये वाली बात समझ में आई ना, कि घर से निकले फिर उसमें डायरेक्ट गए, ऑक्सीजन लिया और फिर वापस घर में आ गया, है ना। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ तुम्हें, चैम्बर, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये क्या हुआ, राइट आर्ट्रियम, है ना। तो राइट आर्ट्रियम से जब आप निकले थे ऑक्सीजन लेके, आपने टिश्यू को दिया और वहां से ऑक्सीजन दे दिया आपने किसको, टिश्यू को दे दिया, है ना, और वहां से क्या ले लिया आपने, CO2 ले लिया। अब CO2 लेके हमें कहाँ पहुंचना था, लेफ्ट आर्ट्रियम तक, अगर हम पहुंच गए मतलब एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे अगर पहुंच जाते तो हमारा सर्कुलेशन हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अभी उसी पॉइंट पे हम लोग पहुंचे नहीं, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, राइट आर्ट्रियम में पहुंचे, हमें पहुंचना कहाँ है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो अब राइट आर्ट्रियम से फिर से निकल के हम लोग कहाँ जाएंगे, लंग्स तक जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, CO2 दे देंगे और O2 क्या करेंगे, O2 फिर वापस लेके आ जाएंगे, है ना, O2 क्या करेंगे, फिर वापस हम लोग लेके आ जाएंगे। तो अब हम लोग पहुंचे, तो ये हर्ट से हमें दो बार गुजरना पड़ा ना एक कंप्लीट सर्कल के लिए, आया बात समझ। तो इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो भाई पूछना एक बार कमेंट में, मैं एक और वीडियो फिर दे सकता हूँ ना, या फिर इसको वापस पीछे जाके देखना, याद रखना कि जहां से चले थे वहीं पे वापस कब पहुंचे, लेफ्ट आर्ट्रियम से चले थे वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचने के लिए आपको दो बार हार्ट से गुजरना पड़ा, इसलिए डबल सर्कुलेशन। ये भी नहीं समझ में आता तो सीधा सीधा याद रखना कि डबल सेकेंड टू चैम्बर्ड हार्ट और थर्ड चैम्बर हार्ट में, थ्री चैम्बर हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फोर्थ चैम्बर हार्ट में आपको क्या होगा, डबल सर्कुलेशन, है ना, डबल सर्कुलेशन, पार्शियल सिंगल सर्कुलेशन, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में मत डालना, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट रखना, फोर चैम्बर मतलब डबल सर्कुलेशन। अब आता है ह्यूमन हार्ट, भाई बहुत ही ज्यादा ऐसे मैंने समझा रखा है क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, वो
बट कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें सिंपल चीजें करके बताओ ना। अच्छा, हार्ट क्या है? हार्ट एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है, ठीक है। एक ब्लड वेसल थी, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, पहले 2 चैम्बर हुए, फिर 2 से 3 हुए, 3 से फिर 4 चैम्बर हो गए। यही मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स को हम लोग हार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, 200 से 400 ग्राम उसका वेट होगा, ब्लड पंप करता है, कार्डियक मसल्स का होता है जो कि इनवॉलंटरी होती है, अपने आप धक 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 देख के नहीं करता, जन जन से ही वैसा है ना, धक 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 करता रहता है। कहाँ पे मौजूद होता है? मेडिस्टिनम कैविटी, छाती, मतलब सीने के बगल, सीने में ही एक छोटी सी कैविटी होती है, लेफ्ट साइड बीच में होगी वो, यहाँ पे लंग्स के इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे, इसको हम लोग कहते हैं मेडिस्टिनम कैविटी, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब देखो, लंग्स से आपने ऑक्सीजन लिया, 4 चैम्बर आप बना चुके हो, बनाने का बहुत सिंपल तरीका भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, और अभी बता देता हूँ। देखो क्या करना, सिंपल ये लेना, इतना बड़ा सा ऐसे दो गोले बना दो ना, और फिर इस तरह से ऐसे कर दो, जोड़ दो, बीच में बांट दो, है ना, ये 2 चम्मच बन गए। और थोड़ा सा अब इरेजर ले लेके, इरेजर लेने का मन करे तो लो, नहीं तो बिना इरेजर के भी बना सकते हो। यहाँ से एक वेसल्स निकाल दो, ठीक है, यहाँ से एक निकालो, ठीक निकाल दे, और एक यहां से लो, ठीक पोएम सुना के तो बनाना नहीं सिखा पाऊंगा, बीच में हेल्प कर जाएगा यहाँ से भी थोड़ी। हो गया तुम्हारा हार्ट, है ना, और अब मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊंगा, धीरे धीरे समझते जाना। इसी वाले डायग्राम में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे तुमने लंग्स से लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके आए तुम क्या, किसे, एक ब्लड वेसल से। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? पल्मनरी वेन, है ना, इसका नाम क्या है? पल्मनरी वेन, है ना, पल्मनरी वेन से लेके आए ब्लड, और पल्मोनरी वेन ने क्या किया, यहाँ पे भर दिया। उस समय तक क्या भर दिया भाई? ब्लड भर दिया, ये भरते गया भरते गया भरते गया भरते गया, पूरा भर गया, है ना, उस समय तक ये बंद था, लेकिन जैसे ही ये पूरा भर जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसको मान लीजिए पॉज को ऐसे दबाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वो नीचे वाले चैम्बर में चला जाएगा। वो कहाँ चला गया? नीचे वाले चैम्बर में, ठीक है, तो नीचे वाले चैम्बर में चला गया ब्लड। चलो थोड़ा सा यहाँ पे सारा ब्लड, अब दबाने के बाद कहाँ चला गया? कॉन्ट्रैक्शन के बाद से सब नीचे आ गया। अब वापिस ये भी वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये कौन सा था भाई? ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम था, ठीक है, याद कैसे रखना, लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम, ये अपने पॉकेट का जेब देखना, उसको 4 भागों में दिमाग में बांटना, तो जो तुम्हारे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ की तरफ जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, दोनों लेफ्ट होगा, ऊपर वाला क्या होगा आर्टरियम होगा, नीचे वाला क्या होगा वेंट्रिकल होगा। जो तुम्हारा राइट साइड हो, राइट साइड होगा ना, तुम्हारे राइट साइड है ना, ये तुम हो, ठीक है, तो तुम्हारे जो राइट साइड होगा वो दोनों राइट साइड हो गया, ऊपर वाला आर्टरियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, सिंपल है। तो लेफ्ट आर्टरियम में आया ब्लड, भर गया, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, नीचे ब्लड आ गया, ये ओपन हो गया। तो ये वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है, बताओ, बहुत सही है ना, बाई कस्पिड वाल्व, बहुत सुंदर, जिसने भी सही जवाब बताया ना, इसको मैटरल वाल्व भी कहते हैं, जिसने मैटरल वाल्व बोला उसको भी सही, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, इन आर्टरियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये वाल्व के बीच में कनेक्शन होगा, ये वायर जैसी चीजें होंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब ये नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ऊपर की तरफ ये ओपन ना हो जाए, इसलिए कॉर्डा टेंडिनी इसको बांध कर रखते हैं।
कॉर्डा टेंडन ही खुद अपने आप में एक मसल से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पैपिलरी पैपिलरी मसल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से कॉर्डा टेंडन यहाँ पे अटैच होगी, है ना। उसको हमें कैसे जोड़ना है, उसको हमें जोड़ना है इसको हमें जोड़ना है किससे, कोडा नहीं पेपिलरी मसल से, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पेपिलरी मसल्स, है ना। अब ये सारा जब भी वापस ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जा रहा है ब्लड, जब ऊपर जाने के दौरान वापस नीचे भी आ सकता है गलती से, तो नीचे नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या है एक वाल्व लगा है। इस वाल्व को हम लोग कहेंगे, इस वाल्व को हम लोग कहेंगे सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व कहेंगे, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व कहेंगे, और सेमी लूनर वाल्व इसलिए मतलब आधे चांद जैसा दिखता होगा इसलिए, ठीक दिखता है, जिसको दिखा उसको आधे चांद जैसे दिखा इसलिए सेमी लूनर वाल्व का। फिर ये ब्लड फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे सबक्लेवियन और सबक्लेवियन आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को हमारे क्लेविकल वाले रीजन में और ब्रेन वाले रीजन में लेके जाएंगे, सब क्लेवन और दो और वेसल्स हैं, दो सब क्लेवियल और एक ब्रेन की तरफ ले जाएगी उसको, उसका नाम मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो तीनों वेसल्स हैं जो नाम क्या है उसको अलग से मैं यहाँ पे बना को दिखा रहा हूँ, ये पहला तो ना। तो तीनों के नाम है, सबसे पहला जो यहाँ से निकलेगा ब्रेको से पहले, है ना, क्या है ये ब्रेको सिफेलिक, है ना, ब्रेकोसिफेलिक। ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड कॉमन कैरोटिड, है ना, लेफ्ट आर्टरी, ये कैरोटिड लेफ्ट सबक्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी, है ना, सब क्लेवियन आर्टरी। कौन कहाँ पे ब्लड पहुंचाता है, ये हेड और नेक पे पहुंचाएगा, हेड नेक पे पहुंचाएगा, इसके अलावा वो राइट आर्म में भी पहुंचाता है। कैरोटिड आर्टरी ये इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट मसल्स को देगा, हार्ट मसल्स को, है ना, हार्ट मसल्स को देगा। सब क्लेवियन हमारे क्लेविकल रीजन है ना, लेविकल मतलब कि जो बांह होती है ना शोल्डर और की साइड, दोनों शोल्डर की साइड और हमारी बाजू में, वो देगा ब्लड। इसके अलावा अब किस के थ्रू जा रहा था ये ब्लड, ये सिस्टमिक ऑर्टा है, ये पूरा का पूरा हो सकता है, ये हमारा भाई सिस्टमिक ऑर्टा, सिस्टमिक ऑर्टा, ठीक, सिस्टमिक AORTA, सिस्टमिक ऑर्टा। अब ये पूरे ये मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला गया, और वहां से बॉडी से क्या लेके आया, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से फिर क्या लेके आएगा, वेन्स जो होंगी, वेन्स लेके आएंगे क्या, CO2 लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक वेन नीचे से आ रही है, ठीक है, और एक कहाँ से आ रही है, ऊपर वाले बॉडी के पार्ट से, एक बॉडी के ऊपर वाले भाग से लेकर आ रही है और एक बॉडी के नीचे वाले भाग से लेकर आ रही है।
ये ऐसा मत सोचना कि ये नीचे जाके यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। तो कैसा सोचना है सर? सोचना ऐसा है कि ये पीछे से जाएगी, ठीक है, ये पीछे से होके जाएगी और हमारे राइट आर्टरी में ओपन होगी। कहाँ ओपन होगी? राइट आर्टरी में। कैसा ब्लड लिखा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ से ये समझ लो दो चैम्बर है, राइट आर्टरी में और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल वाला ये चैम्बर है, और यहाँ पे फिर पीछे से इंफीरियर वेना कावा और ऊपर से सुपीरियर वेना कावा राइट आर्टरी में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही राइट आर्टरी में होंगे, ये पीछे से जाके इधर ओपन होंगे। ऊपर वाले इसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। देखो हैंडराइटिंग मेरी बहुत खराब है, तो इसके लिए प्लीज कमेंट करो भाई कि हैंडराइटिंग मैं सुधारूँ, ठीक है। पता नहीं मैं कब से ट्राई करता हूँ बट सुधार नहीं पा रहा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले से और नीचे वाले से इंफीरियर वेना कावा। अब ये सारा ब्लड कैसे लेगा है? डीऑक्सीनेट मतलब काला काला ब्लड, ऐसे बोल रहा हूँ, काला काला नहीं होता। अब सेम यहाँ पे ये वाल्व है, लेकिन इस वाल्व का नाम क्या है? अलग है। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व, ट्राई कस्पिड वाल्व कहेंगे, है ना। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगेगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर सारा भी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना, सारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप पूछोगे कि सर है कि नहीं कॉर्ड अटेंडिंग, यहाँ पे भी कॉर्ड अटेंडिंग है ना, इस तरह भी इस तरह से वाल्व तो लगेंगे। यहाँ पे भी पेपिलरी मसल्स होंगी, यहाँ पे भी पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक। तो सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे आ गया, फिर यहाँ पे भी सेमी लूनर वाल्व है, ये दोनों क्या है? सेम है, सेमी लूनर वाल्व दोनों ही सेम है। देखो मैं फिर से बता रहा, सेमी लूनर वाल्व सेम है। ये मत बोलना कि सर साफ साफ नहीं बना, तो देखो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों क्या है? दोनों सेम है, सेम लूनर वाल्व। और फिर ये सारा का सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे वेंट्रिकल्स, कौन सा वेंट्रिकल? हमारा राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? वहां से वो लंग्स में चला जाएगा। याद रखना कि जो सारी आर्टरी है, सारी आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। और सारी वेन क्या करती है? वेन CO2 कैरी करती है, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट, सही बोला, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारी वेन CO2 कैरी करेंगे। होप सो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ पूछो, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।